हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। इसके लिए हमने लिया है देसी घी 1 चमचा, मूंगफली घी थोड़ी सी, कोला कद्दूकस किया हुआ आधा कटोरी, मावा आधा कटोरी, ये हमने लिया है काजू बादाम कटे हुए आधा कटोरी, चीनी 1.5 कटोरी, गाजर ली है हमने 2 किलो कसी हुई, दो किलो गाजर ली है हमने कसी हुई। ये हमने दूध लिया है 2 किलो, हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम जो है इसके अंदर हम हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे गाजर। इनको हम चला देंगे ताकि हमारी जो गाजर में जो पानी है वो अच्छे से खत्म हो जाएगा, और हम पहले इन गाजर को अच्छी तरह से जो है पका लेंगे ताकि हम जो दूध डालेंगे तो हमारे गाजर में जो है पानी वो नहीं रहेगा। पहले हमें सिर्फ गाजर का पानी फूटना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने 10 मिनट तक गाजर का पानी जो है वो ख़त्म कर दिया है, ताकि हमारी 10 मिनट तक हमने गाजर को जो है कढ़ाई में ऐसे ही हमने पानी इसका ख़त्म किया है। अब हम इसमें दूध मिक्स करेंगे, ये हमारी 2 किलो गाजर है और इसमें हम 2 किलो दूध डालेंगे। हम इसमें दूध मिक्स कर डाल दिया है, हम इसमें मिक्स कर देंगे गाजर को दूध के साथ। हम गाजर को दूध के साथ अच्छे से पकाएंगे, इसलिए हमने गैस का फ्लेम तेज़ कर दिया है ताकि हमारी जो गाजर है वो दूध के साथ अच्छे से पक जाए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमने 1 घंटे के बाद दूध को जो है गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये गाजर हमारी दूध के साथ पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी चीनी। हम चीनी को हलवे के साथ मिक्स कर देंगे। देखिए हम चीनी को गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा जो चीनी हमने डाली थी हलवे में
वो हमारी चीनी जो है अच्छी तरह से गाजर में मिक्स हो चुकी है। हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी कटे हुए काजू बादाम, ये देखिए, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गोला, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गोला, ये देखिए आधा कटोरी के करीब। हम थोड़ी सी मूंगफली गिरी डालेंगे, ये देखिए, हमें डालेंगे देसी घी एक चमचा, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे मावा, और इसमें डालेंगे मावा आधा कटोरी, हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। हम थोड़ा से कटे हुए बादाम ऊपर से डाल देंगे गार्निश के लिए, थोड़ा सा गोला भी ऐड कर देंगे। देखिए थोड़ी सी मूंगफली की गिरी भी हमने बचा ली थी। जी देखिए अभी हमारा हलवा जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो है हलवे को सर्व कर लिया है। सर्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा हलवा जो है वो देखने में कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।